हम लोगों को देखना है एक न्यू टॉपिक, एक अलग टॉपिक कि जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। मीन्स क्या हुआ, एक्चुअल में हम खरीद कुछ रहे हैं और बिल कुछ का बना रहे हैं। हमारे स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भाई मैं टीवी 10 खरीद के ला रहा हूँ और एक व्यक्ति मेरे से 12 का मेरे से कोटेशन लेके जा रहा है, या मेरे से खरीद के ले जा रहा है 10 और बिल बनवा रहा है 12 का। इस टाइप की चीजें भी टेली में कर सकते हैं। मतलब आप अगर किसी से खरीद रहे हो कुछ क्वांटिटी, बेच रहे हो कुछ क्वांटिटी, बेच रहे हो कुछ, बिल दे रहे हो कुछ, तो ऐसी कुछ अलग अलग चीजें मैनेज भी इसके अंदर हो सकती है। तो चलते हैं, पर एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी के लिए आपको टैली में करना क्या है, आप किस चीज का उपयोग हम किस लिए करने वाले हैं, तो देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी इन टैली प्राइप। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले आप ये वाला ऑप्शन कहां से यस होगा, तो पहले आप इन्वेंटरी रेडी कर लीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं इन्वेंटरी में। हमने डायरेक्टली हम आइटम पे चलते हैं। हमने यहां पर ले लिया, मान लीजिए के फॉक्स जींस। मैंने यहां पर गया अल्टर सी करा और मैंने यहां पर ले लिया जींस। फिर यहां पर गए हम पीसेस, कॉमन चीजें, छोटी छोटी सी चीजें जो हम लोग रोज करते हैं पूरे। अभी हमने जीएसटी की चीजें अलग से जीएसटी लगाना सीखेंगे। ये हो गया एकदम कॉमन चीज की जो चीज की जरूरत हमें पड़ती। अभी हम लोग जो यहाँ पर जो देखने वाले जो चीजें हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग चलते हैं परचेस में। तो परचेस के लिए आप F9 बटन दबाएंगे तो भी परचेस हो जाएगा, F8 बटन दबाएंगे सेल्स हो जाएगा। तो पहले हम परचेस करें तभी तो सेल करेंगे भाई। तो परचेस करने का तरीका क्या है, F9 बटन दबाया, एंटर किया, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, जो भी पार्टी का नाम आया। अगर यहाँ पर हम चाहेंगे इनवाइस नंबर का, मतलब वो जिस पार्टी से आप बिल ले रहे हो उसका नाम। अब कई बार ये चीज होती है कि सर मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि परचेस का बिल चढ़ाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेस बिल चढ़ाने का मतलब हुआ कि भैया जो बिल आया उसकी एंट्री कंप्यूटर में करना। अब मैंने यहाँ पर एंटर किया, क्रिएट किया, यहाँ परचेस लेजर डाला हमने, ये देखिए पूरी डिटेल डाल के आ गए, क्या परचेस किया हमने, कलर फॉक्स। अब यहाँ मैं जो चीज कॉमन करता, अभी तक ऐसा हो रहा था, पर अब आज आपको जो पढ़ना है वो एक्चुअल और बिल्ड। तो आप यहाँ पर जाएंगे F12 बटन दबाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अलग 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 चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो चीजें आती है यहाँ पर कई तरीके से, कभी कभी आप लोग F11 बटन दबाते हैं तो F11 से कुछ सेटिंग मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट का कॉलम आ गया, प्राइस लिस्ट आ गया, अगर हमको यहीं से देखेंगे यूज से क्वांटिटीज आ गया। तो ऐसी चीजों की जरूरत जब जब पड़ेगी तो आपको इन फीचर्स में जाना पड़ेगा। इन्हीं में अगर हम लोग F12 बटन दबाएंगे तो आपको यहीं पर ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर बिल डिटेल आ गया, स्टॉक आइटम आ गया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया, टर्नओवर दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से क्वांटिटी, ये रेट आ गया। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको और भी डिटेल इसके अंतर्गत मिलने वाली है। तो आप अपनी कंपनी में यहाँ पर मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल में कुछ अलग खरीद रहे हैं और बिल में कुछ अलग। तो हमने यहाँ जैसे फीचर को हमने यस किया, देखिए कभी बार क्या होगा ये चीज दिखे नहीं ना, अगर मैंने यहाँ सब चीजों को नो करके रखा है आप परेशान हो जाओगे सर, बोले ऑप्शन हमारे आ नहीं रहा है। तो पहले आप इसे यस कीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी पे गए, हमने यहाँ यस किया, बस यस करके आ जाइए बाकी कॉमन चीज। अब इससे होगा क्या, अब ध्यान से देखिएगा, मेन पॉइंट जो है वो अब आएगा। इसे ऑप्शन यस करके तो आ गए आप। अब आप अकाउंटिंग में चलते हैं तो देखो यहाँ एक्चुअल और बिल्ड वाई दोनों कॉलम आ गए। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि मैंने किसी पार्टी से परचेस किया, इंदौर वाली, मुंबई वाली, या जो भी पार्टी होगी उनसे मैंने माल परचेस किया। क्या परचेस किया, कलर फॉक्स जींस। कितने परचेस किए, एक्चुअल में मैंने 10 खरीदे और बिल में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भाई सामने वाला कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 10 पीस चाहिए पर बिल मुझे 12 का चाहिए, तो मैंने यहाँ 12 कर दिया। एक पीस कितने का, 1000 रुपए का। ओके, अब यहाँ पर ये खरीद के हम लोग आ गए। जब बेचने की बात आई तो मैंने यहाँ पर सेल किया, कैश बेचा, ठीक है,
हमने यहां पर सेल्स लेजर डाला, ओके ये आ गया। अब यहां पर ध्यान देना है, एक्चुअल में मैंने 10 खरीदे, बिल मैंने 12 का लिया। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, 5 पीस खरीदूं और बोले बिल मुझे 10 पीस का चाहिए, मैंने दे दिया, ठीक है भाई मैंने 1500 के रेट पे दे दिया। पर याद रखिए ये सिर्फ बिल तक ही सीमित है, मैं आपके सामने अल्टर के साथ पी बटन दबा रहा हूं और मैं पार्टी को बिल दे रहा हूं, तो बिल में कितना मेंशन है देखिए 10 पीस है, पर जबकि मैं बेच कितने रहा हूं 6 पीस, मेरे स्टॉक में से 6 ही जाएगा रियल में। केवल बिल पे दिखाने के लिए ये वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल और बिल्ड। तो याद रखिएगा जब भी आपको ऐसी चीज की जरूरत हो और आपको करना हो तो याद रखिएगा, खरीदते समय एक्चुअल का मतलब सही, बिल का मतलब सिर्फ देखने के लिए, बेचते समय सेल्स, बिल में केवल देखने का। मगर आपको स्टॉक जब देखोगे डिस्प्ले में जाओगे ना, यहां भी आप अब पुरानी चीजों को छोड़िए, अल्टर के साथ जी बटन दबाइए, यहां पर आपको स्टॉक समरी दिखेगा, स्टॉक क्यूरी दिखेगा, इन्वेंट्री दिखेगा, जैसे आपको जो भी चीजें देखना है आप आइटम पे भी जाके देख सकते हैं, स्टॉक पे भी देख सकते हैं। देखिए यह आपको यहाँ पर पूरा दिखा देगा, और आपको अगर फास्ट देखना है और सिस्टमेटिक देखना है, इन्वेंट्री पे जाइए, आइटम पे जाइए, देखिए आपके पास कितना आया, 10 आया था, 5 बेचा, 5 अभी भी बाकी, जबकि बिल में कुछ अलग ही था, बिल में मैंने 12 खरीदे थे, बेचे मैंने 6, तो वो बिल से अलग होता है। एक्चुअल और बिल्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी से खरीद कुछ रहे क्वांटिटी में और बिल कुछ बनवा रहे, बेचते समय बेच कुछ रहे बिल कुछ बनवा रहे, ऐसी सारी कंडीशन पे हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का उपयोग करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, कभी भी करके देख सकते हैं और किसी भी उसमें लगा सकते हैं। अगर आपको अब लग रहा है कि ऑप्शन को वापस बंद करना है तो आप वापस जाएंगे, उसी में जाएंगे, और आपको जब बंद करना है तो एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी को आप बंद भी कर सकते हैं, F11 बटन दबाइए, यहां पर दिखाई देगा जब भी आपको लगे, ये देखिए तो आपके सामने आ जाए।